पाउडर, रिंदे कपड़ों में चमकती सफेदी। सर इंस्पेक्टर, ये हैं समर साहब, नंदिनी जी के पिता। देखिए अनंत कह रहा था कि आप महेश्वर में घेराव डालने वाले। जी हाँ, हम लोगों ने किया अभी। तो नंदिनी मिली? वो किडनैपर काफी होशियार मालूम होता है, वो पहले ही निकल चुका था महेश्वर से। कैसे लोग हैं आप, कैसा ख्याल रख रहे हैं आप अपने लोगों का? छोटा सा हिल स्टेशन है, एक लड़की का अपहरण हुआ है और अभी तक आपने पता नहीं लगाया। आपको अंदाजा है मुझमें क्या बीत रही है ये सोच करके? नंदी का क्या हाल है, कैसा पुलिस फोर्स है आपका? पुलिस चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे मिस्टर सिन्हा, हम सारी रात महेश्वर का कोना कोना छानते रहे और कई लोगों को शक की बिना पर गिरफ्तार भी किया। अब आप ही बताइए, आपको किसी पर शक है या फिर आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? जी एक्सक्यूज मी, यस ओके हाँ ठीक है, आसपास के गांव में जितने पुलिस थाने हैं सबको खबर कर दो और हाँ सारे रास्ते सील कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला? कच्ची सड़क पर जाते हुए हमें एक कार का निशान मिले, वो रास्ता जंगल की तरफ जाता है और उस रास्ते पर सिर्फ किडनैपर ही जा सकते हैं छिपने के लिए। बाकी जैसा रहेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। आइए चलिए। घूमती संभालो अपने आप को, मुझे पूरा यकीन है नंदिनी जल्दी ही मिल जाएगी। जो भी करना है उसे जल्दी करो, अब कहां कहां लेकर फिरेंगे इसे। वैसे भी आज इसकी मोहलत पूरी हो गई है। देखो चिड़िया रानी, अगर जान की सलामती चाहती हो तो अपने बाप से कहो कि लाल कोठी कागजात लेकर यहां आ जाए और उसे कहना कि पुलिस को फोन ना करे। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं फोन नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। वही बात, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये देख रही हो, खिलौना नहीं है असली पिस्तौल है।